Morning to all students. How are you all? I hope you are fine and doing well. Okay, so we completed chapter number 1 and 2 in English Junction and chapter number 1 in English Grammar. Okay, so now it's time to get started. Our new chapter, The Elders of Chelam. Chelam is a name of a village. Okay. एंड एल्डर्स इट मीन्स वहाँ के जो बड़े होते हैं, जो पूरे विलेज का ध्यान रखते हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. कैरेक्टर्स, नरेटर, 7 एल्डर्स, बॉय, विलेजर्स, पुलिस. ये एक प्ले है, एक ड्रामा टाइप है, और उसमें जो कैरेक्टर्स है कितने लोग हैं, नरेटर है, 7 एल्डर्स है, बॉय है, विलेजर्स है, पुलिस है. एट द टाउन हॉल Some of the elders of the town are holding meetings. जो बहुत सारे जो 7 elders थे वो और भी बहुत सारे elders थे वो सब एक हॉल में, टाउन के हॉल में मीटिंग कर रहे होते हैं. Now narrator, this is the village of Chelam. 7 elders are the leaders of the Chelam of the village. Okay, the village name is Chelam and there are the 7 elders are the leaders of the village that we already take care of. द विलेज, जो विलेज का ध्यान रखते हैं वो 7 एल्डर्स है, वो लीडर्स है वहाँ के. द एल्डर्स ऑफ द विलेज आर ऑलवेज इन मीटिंग्स. जो एल्डर्स है वो क्या करते थे, हमेशा ऑलवेज होल्डिंग मीटिंग्स इन हॉल. दे मीट टू थिंक फॉर द लविंग थिंकिंग. दे हैव टू थिंक दैट द फाइंड आंसर्स ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स लाइक दिस वन. ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के वो आंसर ढूंढते थे, उसमें से वन ऑफ द प्रॉब्लम वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. सेकेंड एल्डर रनिंग इन टू द रूम, बहुत दौड़ के आता है सेकेंड एल्डर. आई हैव सम वेरी बैड न्यूज़. इट इज़ अबाउट द मून. द मून हैज़ फॉलन इन टू अ बैरल ऑफ वाटर. अब क्या होता है कि वो सेकेंड एल्डर दौड़ कर आता है रूम में और बोलता है कि आई हैव अ बैड न्यूज़. पूछते हैं क्या बैड न्यूज़ है आपके पास, तो वो बोलता है कि बैड न्यूज़ मून के बारे में है. मून वॉज फॉलन डाउन इन टू अ बैरल. अब क्या हो गया है, शाम की बात है, मून को क्या हो गया है, वो डूब गया है. क्या हो गया है, बैरल. बैरल इज अ टाइप ऑफ कंटेनर हैविंग वाटर ऑन इट. ठीक है, जस्ट लाइक इन अ केन ड्रम टाइप. ओके, बैरल, वाटर के बैरल में वो डूब गया है, गिर गया है. ओके, टर्न द पेज. अदर एल्डर अलार्म्ड व्हाट एंड वेयर. अब वो बहुत जोर से बोलता है कहाँ और कब. सेकेंड एल्डर पॉइंट्स आउटसाइड, वो बाहर बताता है कि वहाँ. थर्ड एल्डर हाउ इज़ दैट पॉसिबल, लेट्स गो एंड हैव अ लुक. वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि फैन सॉरी मून एक बैरल में गिर गया है, कैसे पॉसिबल है, तो वो जाकर और देखते हैं. नरेटर दे रश आउटसाइड एंड लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इन द बैरल ऑफ वाटर. वो सब बाहर जाते हैं और क्या देखते हैं, बैरल के अंदर मून का रिफ्लेक्शन देखते हैं. देखो ये है जिस टाइप इज ड्रम इज कॉल्ड बैरल एंड दे सॉ द मून रिफ्लेक्शन इन द वॉटर. ओके, एंड दे ऑल थिंक दैट द मून वॉज फॉलन इन टू अ बैरल. फोर्थ एल्डर यस इंडीड द मून हैज फॉलन इन टू दीज बैरल ऑफ वॉटर. वॉट शैल वी डू नाउ. वो बोलता है कि यस, ये सच में हुआ है कि मून जो है वो वाटर के बैरल में गिर गया है, अब हम क्या करेंगे. फिफ्थ एल्डर वी शुड इन्फॉर्म ऑल द विलेजर्स. कॉल्स अ यंग बॉय टू कम फॉरवर्ड. वो बोलता है कि हमें सब विलेजर्स को बुलाना चाहिए और एक यंग बॉय को बुलाना चाहिए. बॉय हियर रन टू ऑल हाउसेज इन द विलेज, आस्क दैम टू द कम हियर एट वंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. अब उस जो यंग बॉय से बोलते हैं कि तुम विलेज के सारे घरों में जाओ और सबको बोलो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार यहाँ सभी आ जाएँ. बॉय यस सर आई विल कॉल दैम राइट अवे. वो बोलता है कि यस सर, मैं अभी जाके और सबको बुलाकर लेके आ जाता हूँ. नरेटर द विलेजर्स गैदर अराउंड एंड आर अलार्म्ड टू सी द मून इन द बैरल. वो जब सारे विलेजर्स आते हैं और उस मून को देखने के लिए बैरल में आ जाते हैं. विलेजर्स द मून हैड फॉलन डाउन फ्रॉम द स्काई, व्हाट शैल वी डू नाउ. विलेजर्स बोलते हैं कि मून जो है वो वाटर में गिर गया है, अब हम क्या करेंगे. ऑल व्हाट शैल वी डू नाउ. ओ व्हाट शैल वी डू. तो वो बोलता है, सब बोलने लगता है कि अब हम क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू. फर्स्ट एल्डर लेट मी थिंक, ही रिंकल्स हिज फोरहेड एंड स्क्रैचेस हैड. ऑल अदर एल्डर्स ऑल्सो डू द सेम. अब एल्डर्स क्या करते हैं, टेंस्ड होके अब उनके फेस हेड पे ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं और वो अपने हेड को ऐसे इंचिंग करने लग जाते हैं, इंचिंग गुजालने लग जाते हैं कि अब क्या करें, व्हाट शैल वी डू.
यस आई हैव गॉट इट. वो कहते उसको एक आइडिया आता है, वी शुड क्लोज द बैरल ऑफ द मून वुडंट वुड स्कैप. वो बोलता है कि हम इस बैरल को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं ताकि मून यहाँ से भाग नहीं पाएगा. सेकेंड एल्डर, वॉट अ वंडरफुल आइडिया. सेकेंड एल्डर बोलता है कि ये बहुत ही वंडरफुल आइडिया है. टर्न द पेज. फिफ्थ एल्डर, द मून विल नाउ बिलोंग ओनली टू अस. वो बोलता है कि मून भाग नहीं पाएगा, वो हमारे साथ ही रहेगा. सिक्स एल्डर, बॉय कम हियर, गेट द लिड टू सील द बैरल, मेक श्योर यू क्लोज इट टाइट, द मून शुडंट एस्केप. वो बोल सिक्स एल्डर बोलता है कि बॉय कम हियर, गेट द लिड. लिड इट मीन्स वो जो उसका ढक्कन होता है, वो लिड पैक करने के लिए वो लेके आते हैं. वो बोलता है मेक श्योर दैट कि ये बहुत टाइटली पैक होना चाहिए, मून यहाँ से भागना नहीं चाहिए. बॉय ओके सर. नैरेटिव, द बैरल इज सील्ड टाइटली. द नेक्स्ट मॉर्निंग द विलेजर्स गैदर टू द मून अगेन. द एल्डर लिफ्ट द लिड एंड. अब नैरेटर बोलता है कि वो जो उसका जो बैरल है वो उसे बहुत टाइटली बांध देते हैं ताकि मून वहाँ से भाग नहीं पाए, और मॉर्निंग में वापस सारे विलेजर्स एक जगह पे इकट्ठा होकर और उस लिड को खोलते हैं. फर्स्ट लेजर, द मून इजंट हियर, वेयर इज द मून. अब वो बोलते हैं कि मून यहाँ नहीं है, मून कहाँ गया. जैसे ही उन्होंने जो उसका लिड है वो खोला तो वहाँ पे उनको मून नहीं दिखा. सेकेंड एल्डर, वेयर कुड इट गो, वी क्लोज द बैरल टाइट. वो बोलता है कि कहाँ जा सकता है, हमने तो ये बैरल का जो ढक्कन है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक किया था. द एल्डर वॉक अराउंड एंड स्क्रैचिंग देयर हैड्स, देयर फॉरहेड रिंकल्ड. वैसे ही वापस वो उनका फॉरहेड रिंकल्ड हो जाता है और वैसे स्क्रैच करने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें, मून कहाँ गया. सेवेंथ एल्डर, स्टोलन द मून बी स्टोलन. अब बोलता है कि जो मून है वो भाग गया है, हम उसे स्टोलन करके नहीं रख पाए. बॉय स्टोलन, आई विल गो एंड गेट द पुलिस. वो बोलता है कि मैं जाता हूँ और पुलिस को बुला के लाता हूँ कि हमारा मून चोरी हो गया है, मिसिंग हो गया है. नैरेटर, द पुलिस अराइव, दे सर्च एंड सर्च एंड सर्च, बट दिस डे दे स्टिल हैवंट फाउंड वॉट हु स्टोल द मून. अब वो बोलता है कि पुलिस को लेकर आता है, पुलिस आती है और मून को सर्च सर्च एंड सर्च करती, बट मून डजंट फाउंड बिकॉज आई विल लेटर टेल यू. द एल्डर्स स्टिल हैव मीटिंग एवरी डे टू थिंक टू ट्राई दैट फाइंड आउट द स्टोलन मून, वेयर डू यू थिंक द मून वेंट. वो रोज़ मीटिंग्स करते हैं और देखते हैं कि मून कहाँ गया है, वो ढूंढते हैं, बट मून उन्हें अभी तक नहीं मिला है कि वो कहाँ पे, किसने चुराई, किसने स्टोलन किया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. सो वेयर इज़ द मून? द मून इज डजंट फॉलन इन द बैरल. दे ऑल आर सीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इन द बैरल एंड दे थिंक दैट द मून जो है वो चोरी हो गया है, बट दिस डजंट चोरी नहीं हुआ है, वो रिफ्लेक्शन थी. क्योंकि मून कब आता है, नाइट में आता है. इन द डे देयर वॉज कमिंग ऑफ सन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. यू हैव टू रीड दिस स्टोरी वंस, एंड इफ यू हैव डाउट और एनी क्वेरी देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर और व्हाट्सएप नंबर.